दोस्तों आज तारीख 4 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार का, और आइए उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरें और यूपी के मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन और आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ऐसे में इसी के साथ बुराई का सफाया करते हुए अपन बात करेंगे इस वक्त की पहली खबर। आप देखिए प्रयागराज के अंदर रेवेन्यू इंस्पेक्टर को 20,000 रुपए की रिश्वत मांगते हुए विजिलेंस टीम ने किया गिरफ्तार और घसीटते हुए ले गई। प्रयागराज में इंस्पेक्टर कह रहे थे कि 20,000 दो नहीं तो जमीन गड्ढे में दिखा देंगे। ऐसे में रेवेन्यू इंस्पेक्टर को विजिलेंस टीम घसीटते हुए ले गई और रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। और खबर देखिए कानपुर के अंदर फिर एक और घटना आई सामने। डॉक्टर द्वारा मिली धमकी कि मेरी बन जाओ नहीं तो तेजाब डाल दूंगा, पति तुम्हें खुद ही छोड़ देगा। मेडिकल स्टूडेंट बोली कि मुझे फोन करता है, मेरे हॉस्टल में तक घुसाया। ऐसे में स्टूडेंट्स ने डॉक्टर के खिलाफ थाने में FIR कराई है। वहीं लखनऊ से खबर देखिए KGMU के अंदर 2,70,00,000 से तैयार होगा बोन मेरो ट्रांसप्लांट यूनिट। रेबीज से संक्रमित लोगों की अब बच पाएगी जान, ICMR को भेजी गई रिपोर्ट। और कानपुर से खबर देखिए वंदे भारत ट्रेन पर हुआ दोबारा पथराव। वाराणसी से दिल्ली जा रही थी ट्रेन, पनकी स्टेशन के पास हुआ पथराव, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यात्रियों ने सीट कर नीचे छिप कर बचाई जान। और खबर देखिए बरेली के अंदर ससुराल में छिपाया था 100 किलो बारूद, विस्फोट हुआ तो 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 2 मासूम समेत 6 की गई जान, आरोपी हुआ गिरफ्तार। बरेली की घटना के बाद जागा पुलिस प्रशासन, पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों के विस्फोट की घटनाओं की रोकथाम के लिए चलाया विशेष अभियान। वहीं खबर देखिए बाराबंकी से, इजराइल में फंसे हैं बाराबंकी के 35 लोग, वीडियो कॉल पर बोले कि बंकर में छिपकर बचा रहे हैं अपनी जान। घरवालों ने कहा कि बच्चों को वापस लाए सरकार, मदद की लगाई गुहार। और खबर देखे अयोध्या को लेकर, 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा राम मंदिर का शिखर। मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, 44 फीट की धर्म ध्वजा लगेगी इसके ऊपर, दर्शन व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा इस दरमियान कोई भी असर। वहीं खबर देखे प्रतापगढ़ के लालगंज के अंदर तहसीलदार की विदाई पर नाची डांसर, लेखपाल संघ के अध्यक्ष भी नाचे, DM ने नोटिस जारी किया और कहा कि एक्शन होगा। वहीं खबर है वाराणसी में मिशन शक्ति के 5वें चरण का हुआ आगाज, सड़क पर उतरी महिला अधिकारियों ने दिलाया सुरक्षा का भरोसा और युवतियों से जाना व्यवस्था का हाल और माहौल। और खबर देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय के हॉस्टल में हुआ पथराव, कार और बाइक से आए कोटिल्य छात्रावास के बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा। लखनऊ से खबर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्रीय निदेशक को मिली सजा, 3 साल की कठोर कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना, धोखाधड़ी के मामले में आया फैसला। इसी बीच खबर है पीलीभीत के अंदर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, बीच बाजार में बिकती मिली अतिशाबाजी, दुकान संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और संबल से खबर देखिए DIG ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा, रेलवे ट्रैक की निगरानी के भी दिए निर्देश। वहीं मथुरा से खबर है खाद्य विभाग ने अभियान चलाकर 6 सैंपल भरे, मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने की कार्रवाई, 5 किलो कट्टू का आटा भी कराया नष्ट। इसी बीच खबर है कानपुर से 845 करोड़ से भरे जाएंगे सड़कों के खड्डे, 188.96 किलोमीटर लंबाई में PWD भरेगा गड्ढे, 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्ति का लक्ष्य किया जाता है। वहीं प्रयागराज से खबर देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 123 गैर शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्ति की मिली स्वीकृति, कार्य परिषद की बैठक में लिया गया फैसला, 64 शिक्षकों को किया गया रेगुलर। और मुरादाबाद से खबर है खनन अधिकारी का बाबू घूस लेते अरेस्ट, एंटी करप्शन ब्यूरो ने दफ्तर से पकड़ा, 3 लाख रुपए मांगे थे रिश्वत के लिए। वहीं आजमगढ़ से खबर देगी पुलिस विभाग में व्यापक फेरबदल हुआ, 8 थाना प्रभारी बदले गए, पुलिस लाइन से 84 सब इंस्पेक्टरों को मिली थानों में तैनाती। और नोएडा से खबर है 9 लाख में बिका UP16EN0001 नंबर, 0005 के लिए लगी 3,76,000 की बोली। ऐसे में क्या विचार है आपके, इतने पैसे सिर्फ गाड़ी के नंबर के लिए आपके नजरों में जायज है या नहीं, बताओ जरा अपने विचार नीचे कमेंट्स करके। और खबर देखिए एटा के अंदर सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत वाहन चेकिंग का अभियान चला, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 156 वाहनों का काटा गया चालान, 1,63,00,000 रुपए वसूला गया समन। वहीं लखनऊ से खबर देखिए छात्र छात्राओं को बांटे गए टेबलेट, भाजपा नेता नीरज सिंह बोले कि युवाओं को टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को नंबर 1 लेकर के आना है। और श्रावस्ती से खबर है मिशन शक्ति 5 की हुई शुरुआत, पुलिस टीम महिलाओं और बालिकाओं को कर रही है जागरूक, SP बोले कि अभियान में सभी लोग हों शामिल। वहीं खबर है शामली के अंदर होटल में रोटी पर थूकने का लगा आरोप, हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग, कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई हो। और बरेली से खबर देखिए सफाई का वीडियो वायरल होने पर प्रिंसिपल हुए सस्पेंड, जी हाँ दोस्तों यहाँ बाथरूम के अंदर स्कूल के बच्चों से कराई जा रही थी शौचालय की सफाई। और खबर है लखनऊ में लगा आर्ट फॉर एबिलिटी प्रदर्शन, दिव्यांगों को रोजगार के लिए किया जा रहा है प्रेरित, कई संस्थान ले रहे हैं इसमें हिस्सा, जहां वो अपनी क्षमता के आधार पर अपनी कलाओं का करेंगे प्रदर्शन, चाहे वो सिलाई करो, चाहे कढ़ाई करो या चाहे करो पेंटिंग, वो अपनी कला का प्रदर्शन करके पैसे कमा पाएंगे। और आजमगढ़ से खबर देखिए यहाँ चल रहा था फर्जी हड्डी का अस्पताल, हालांकि अब सीज कर दिया गया मेहनानपुर में, वर्षों से चल रहा था ये अस्पताल, न रजिस्ट्रेशन न डॉक्टर, कई बार मिल चुकी थी इसकी शिकायत, अब स्वास्थ्य विभाग ने किया सील। और खबर देखिए सोनभद्र के अंदर बाल भिक्षावृत्ति के रोकथाम के लिए चलाया गया अभियान, राम जी ने कहा कि भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। और देवरिया से खबर है परंपरा के अनुसार मनाए त्योहार, निर्धारित आवाज में ही बजाएं DJ, DM ने दिए निर्देश, अफसरों और वरिष्ठ जनों के संघ की बैठक। और खबर है नोएडा में शुरू हुआ 80 MLD का TTP प्लांट, सीवरेज पानी के गंदेपन को किया जाएगा यहाँ पर साफ, फाइबर तकनीक पर करेगा ये काम।
वही खबर है, मेरठ के अंदर बिना नोटिस नौकरी से निकाले गए 45 सिक्योरिटी गार्ड, 80-90 हजार देकर मिली थी उन्हें नौकरी। तो लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के अंदर नौकरी जाने के बाद लगाया धरना और डीएम ऑफिस पर किया प्रदर्शन। वही खबर देखिए, बलिया के अंदर डीएम ने 40 लेखपाल का किया स्थानांतरण, एक ही तहसील में 8 और 9 सालों से जमा लेखपालों का कार्य क्षेत्र बदला। और खबर है, एटा में डीएपी के लिए परेशान हो रहे हैं किसान, बोले कि कई घंटे खड़े रहने पर भी नहीं मिल रही है खाद, मायूस होकर लौटना पड़ा। और इसी बीच फिरोजाबाद में दूसरी घटना देखिए आप, जहां एक तरफ प्रदेश भर के अंदर डीएपी के लिए किसान हो रहे हैं परेशान, जिला कृषि अधिकारी ने छापेमारी की, जहां पूर्व सचिव के घर से 120 बोरी डीएपी हुआ बरामद, जो कि उच्च दामों में इन्हें बेच रहे थे। वहीं खबर है, लखनऊ के अंदर ईरानी ट्रॉफी, अभिमन्यु ने जड़ा शतक। खेल समाचार के तहत आप देखिए, तीसरे दिन रेस्ट ऑफ इंडिया के 4 विकेट गिरे, मुंबई ने दिया है 538 रन का टारगेट। और आपको बता दें, ग्रीन पार्क के अंदर 3 दिन में 99,608 लोगों ने देखा मैच, 2 दिन तो बारिश की वजह से मैच बाधित रहा और इस दरमियान बिके 1,35,00,000 के टिकट। वहीं जौनपुर से खबर देखिए, मिशन शक्ति फेज का हुआ शुभारंभ, कुश्ती खिलाड़ी नम्रता यादव को किया गया सम्मानित, डीएम बोले खेल प्रोत्साहन में सरकार ले रही है अब रुचि, और 51,000 रुपए का उन्हें दिया गया चेक। वहीं जल्दी से कुछ हेडलाइन अलर्ट पर नजर डालते हैं, बिजनौर से खबर देखिए, पुलिस पर सीसीटीवी कैमरे तोड़ने का लगा आरोप, बिजनौर में एसपी से मिले मोहल्लेवासी, हिस्ट्री सीटर से मिलीभगत का लगाया आरोप। और खबर देखिए, एमएटी के अंदर अचानक महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंची डीएम, गंदगी देखकर बिफरी प्राचार्य समेत 6 अनुपस्थित कर्मचारियों को सोकाजा का दिया आदेश। और मुजफ्फरनगर से खबर है, दलित छात्रों की फीस भरेगी राज्य सरकार, प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने छात्र के परिजनों से की बातचीत और स्कॉलरशिप का दिया आश्वासन। और अमेठी से बड़ी खबर देखिए, संजय केया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर ने 5 किलो का ट्यूमर निकालने में सफलता की हासिल, 1.5 घंटे तक चला ऑपरेशन हुआ सफल, महिला की हालत अब खतरे से बाहर है। और गोंडा से खबर है, पूजा विशेष करके 90 ट्रेनों का हुआ संचालन, गोंडा रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने लगेगी ये सभी ट्रेनें, त्योहारों के दौरान यात्रियों को मिलेगी विशेष सुविधा। दूसरी तरफ यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर हुआ महंगा, टोल रेट 12% तक बढ़ चुके हैं, कार वालों को 50 रुपए तक एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त देने होंगे। और खबर देखिए, बलरामपुर के अंदर 50 ग्राम पंचायतें हुई टीबी मुक्त घोषित, सीडीओ ने सभी प्रधानों को महात्मा गांधी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश, आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर करना भूल जाते हो, लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे भी आपके लिए और अच्छी अच्छी खबरें अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम जैसे ही वीडियो लेकर के आए और आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। साथ ही खबर है, हाथरस के अंदर अजगर का हुआ रेस्क्यू, 2 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने विशाल अजगर को पकड़ा और जंगल में छोड़ा, कुत्ते को बनाया था इसने शिकार, लगभग 12 फीट से ऊपर थी इसकी लंबाई। और खबर है, कानपुर के अंदर बूडू को जवा बनाने का सपना दिखाया और कुछ इस तरह ठगे 35 करोड़ रुपए, और पति पत्नी हुए फरार। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 65 साल की उम्र में जवान हो पाना मुमकिन है, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी इस बात की पुष्टि नहीं करती है, तो ऐसे में झोला छाप के चक्कर में क्यों आए। और कुछ इसी तरह जवान करने के नाम पर 35 करोड़ ठग करके कानपुर के एक पति पत्नी भाग गए। वहीं बहराइच से खबर देखिए, दूसरा आदमखोर तेंदुआ भी पकड़ा गया, बकरी खाने पिंजरे में घुसा, बच्ची और महिला पर किया था इसने हमला। और खबर है, मुजफ्फरनगर में टीबी उन्मूलन के लिए 21 ग्राम प्रधानों को किया गया सम्मानित, मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री और डीएम ने प्रदान की गांधी जी की कांस्य प्रतिमा। और खबर देखिए, बलरामपुर के अंदर मानक विहीन सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में यहाँ आक्रोश, भ्रष्टाचार को लेकर डीएम से की शिकायत, 6 करोड़ की लागत से हो रहा है यहाँ काम। वही खबर है, गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलेगा प्रदेश भर के अंदर, 65,000 से अधिक हेक्टेयर है गोचर भूमि, 27,000 से ज्यादा हेक्टेयर से अधिक को कब्जा मुक्त करा भी लिया गया है, सीएम योगी का आदेश। और खबर देखिए, कानपुर देहात में 7 नवंबर तक धारा 163 लागू, बिना अनुमति ना ही ड्रोन उड़ा पाएंगे, दरअसल धार्मिक भावनाएं न हो आत, इसके लिए प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी। वही खबर देखिए, गोंडा के अंदर मिशन शक्ति फेज 5 का हुआ शुभारंभ, प्रतियोगिताएं आयोजित करके बच्चों को किया जागरूक, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। और लखनऊ से खबर है, मंडल स्तर पर भी होगा ट्रेड शो, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की सफलता के बाद योगी सरकार की तैयारी, 10,000 करोड़ के मिले थे ऑर्डर इस दरमियान। वही खबर है, बिजनौर को लेकर डिप्टी रेंजर और वन रक्षक हुए सस्पेंड, खेत में दबा मिला था हाथी का शव, जेसीबी द्वारा निकाले गए अवशेष, डीएफओ ने की त्वरित कार्रवाई। दरअसल अभी हाल ही में आपको पता होगा हाथियों के हमले हो रहे हैं, ऐसे में किसी ने हाथी की जान लेकर उसे दफना दिया था। और खबर देखिए, बाराबंकी के अंदर हुआ मिशन शक्ति फेज 5 का शुभारंभ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बताए गए हेल्पलाइन नंबर और बोले कि निडर होकर करें सामना, हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हो 1090 1076 1098 112 और 181। और प्रयागराज से खबर देखिए, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के अंदर कुंभ मेले के दौरान मिलेगा फलाहार, यानी कि उपवास के दरमियान भी आपको पौष्टिक भोजन, टूरिज्म विभाग कर रहा है इसकी तैयारी,
अलग से रखेगा मेन्यू। और खबर है कानपुर देहात से, विद्युत विभाग ने जुगाड़ से खींच दी 11,000 वोल्ट की लाइन, ग्रामीणों में बड़ी चिंता, लोगों के अंदर है हादसे का डर। दरअसल पोल की जगह पेड़ पर ही बांध दिए वायर। वहीं हापुड़ से खबर देगी, टीवी मुक्त हुई 5 ग्राम पंचायतें, सीडीओ ने प्रधानों को किया सम्मानित और बोलेगी 2025 तक टीवी मुक्त बनाने का है लक्ष्य। और हाथरस से खबर देगी, संक्रामक रोगों का बड़ा प्रकोप, 15 डेंगू के मरीज आए सामने, वायरल फीवर उल्टी दस्त की चपेट में आ रहे हैं आमजन, सरकारी और निजी अस्पतालों में बढ़ चुकी है भीड़। और बांदा से खबर है, पुलिस ने 21 मोबाइल फोन लोगों को सौंपा, मोबाइल खोने वाले पीड़ितों का सर्विलांस टीम ने बरामद किया था फोन। और खबर देगी, लक्ष्मीपुर खीरी के अंदर 3 पीढ़ियों से रामलीला के वस्त्र सिल रहा है मुस्लिम परिवार, लक्ष्मीपुर में अली अहमद बोले कि मजहब से ऊपर इंसानियत और एकता होती है, ये काम हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसी बीच खबर है, जालौन के अंदर अवैध तरीके से पटाखा बनाने का हो रहा था कारोबार, पुलिस ने की छापेमारी और बरामद किया 6 क्विंटल विस्फोटक सामग्री, हालांकि आरोपी मौके से हो चुके हैं फरार। और इटावा से खबर है, बेसहारा बच्चों को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपए, इटावा में दी गई जानकारी, एक परिवार से अधिकतम 2 बच्चे होंगे इस योजना में शामिल, नाम है इसका मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये पैसे उन्हीं को मिलेंगे जिनके कोई संरक्षक नहीं है, यानी कि उनके माता पिता की जान जा चुकी है। और खबर देखिए, शामली के अंदर कावर पाल 13 साल बाद अब्दुल्ला बनकर लौटा घर, पत्नी ने DMC की शिकायत, बोली कि संपत्ति बेचने पर लगाए रोक। वहीं खबर है, बहराइच के अंदर लोगों को जागरूक करने में जुटा वन विभाग, तेंदुए के हमले के बाद हाथी बर्बाद कर रहे हैं फसल, ऐसे में उनसे बचाव और संघर्ष की दी जानकारी, लेकिन इसी बीच ये ध्यान रखना है कि वन्य जीवों को भी न हो कोई नुकसान। और खबर है, लखनऊ के अंदर सर्किल रेट न बढ़ने से किसान हुए परेशान, किसान नेता VM सिंह बोले कि बिल्डरों को हो रहा है फायदा, हमारा हक छीना जा रहा है। और खबर है, यूपी अगले 1 साल में अत्यधिक गरीबी से होगा मुक्त, CM योगी का कहना, गांधी जयंती पर जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत, हर गांव से चुने जाएंगे 25 गरीब परिवार और उन्हें गरीबी से उबारा जाएगा। वहीं मुजफ्फरनगर के अंदर ग्राम प्रधान समेत 10 लोग हुए गिरफ्तार, खेत में कमरा बनाकर चला रहे थे जुआ का खेल, ताश पत्ते और नकदी भी हुई बरामद। और खबर देखिए, प्रयागराज के अंदर बनेगा डिजिटल कुंभ म्यूजियम, 14 रत्नों वाली गैलरी, स्क्रीन पर देखेगा समुद्र मंथन, 21,38,00,000 रुपए की लागत से होगा इसका निर्माण। और खबर है, लखनऊ के अंदर 8 दिन में डेंगू के 295 केस, टाइफाइड के साथ डेंगू के लक्षण है बेहद खतरनाक, प्लेटलेट की खपत में 30% का हुआ इजाफा। आप देख सकते हो दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर खून का अहम हिस्सा होता है प्लेटलेट, जो कि हड्डियों के बीच जो खोखली जगह होती है ना, उसी में बनता है। एक इंसानी शरीर में 50-55% प्लाज्मा होता है, जबकि 40-45% रेड ब्लड सेल्स होती है, और मात्र 1-2% प्लेटलेट होते हैं और 1-2% ही व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हो। ऐसे में प्लेटलेट या WBC में कुछ भी कमी पेशी आ जाए तो फिर आपका स्वास्थ्य पर पड़ सकता है उसका गंभीर असर। वही खबर देखिए, कानपुर के अंदर CM ग्रिड योजना में हुई लापरवाही, 130 करोड़ से बनी है 4 सड़कें, 18 दिन बाद भी नहीं हुआ इनका कॉन्ट्रैक्ट। और इसी के साथ वक्त हो चुका है मौसम समाचार पर नजर डालने का। आपको बता दें, अक्टूबर महीने में कितना बदलेगा मौसम, तो मौसम की तो अब विदाई हो चुकी है, लेकिन अब वक्त आ चुका है ठंड का। फिलहाल मौसम साफ रहेगा, लेकिन 20 तारीख के आसपास, 20 अक्टूबर के बाद जो हल्की ठंड शुरू होने जाएगी। अभी तो आपको 20 तारीख तक गर्मी जो वो सताने वाली है। अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कड़ाके की धूप आपको परेशान करेगी। पिछले साल के मुकाबले 17% ज्यादा बारिश इस बार हो चुकी है, 4 साल बाद कोटा हुआ पूरा। और इस बार नदियों के कटान से सैकड़ों बीघा खेती की जमीनें पानी में हो चुकी हैं जोन। घाघरा नदी के तेज कटान के जद में कई मकान भी आए। गोंडा में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है ग्रामीणों को। नदी के घटते जल स्तर के कारण कटान और तेज हो चुका है। और खबर देखिए, लक्ष्मीपुर खीरी के अंदर भाजपा विधायक ने भरे मंच से खुद को कहा शराबी, बोले कि अगर मैं पीता हूं तो पूरे समाज के सामने पीता हूं। ऐसे में वो विवादों में गिर चुके हैं उनके ही बिगड़े बोल को लेकर। और खबर है, वाराणसी के अंदर साइबर क्राइम को लेकर फर्जी वेबसाइट बनाकर 72,00,000 की साइबर ठगी, गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 बदमाश हुए गिरफ्तार। दरअसल इन्होंने किया मोटर्स की फर्जी वेबसाइट के जरिए कई लोगों से की थी सस्ते में बुकिंग और एजेंसी दिलाने के नाम पर भी की ठगी। वहीं लखनऊ से खबर देखिए, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय की जो घटना हुई है उसके बाद दर्जनों डिलीवरी बॉय ने किया प्रदर्शन और सुरक्षा को लेकर रखी कई अहम मांगे। और मैनपुरी से खबर है, गड्ढा मुक्त नहीं हुई सड़कें, 2A पर गिरी गाज, एक को किया निलंबित, कई प्रमुख मार्गों पर है गहरे गहरे गड्ढे। और खबर है, वाराणसी के अंदर PM मोदी के कार्यालय में आएंगे दिव्यांग खिलाड़ी, UP के पहले दिव्यांग फ्रेंडली स्टेडियम की देंगे सौगात। वहीं बरेली से खबर देखिए, त्योहारी सीजन में 120 नियमित ट्रेनों के साथ चलेगी 50 बसें भी और स्पेशल ट्रेनें ट्रैक पर बड़ा दबाव। हालांकि बरेली में 14 ट्रेनें निरस्त भी हुई है, 28 के फेरों में की गई कटौती, रेलवे ने जारी की अधिसूचना। और खबर है, मुरादाबाद के अंदर कोहरे के बीच 3 महीने रद्द रहेगी 24 ट्रेनें, 2 दिसंबर से 28 फरवरी तक यात्रियों को होगी परेशानी। वहीं खबर है, लखनऊ से BC सखियों ने घर घर पहुंचाया बैंक, 39,000 सखियों ने किया 27,000 करोड़ का लेन देन। और ऐसे BC के जरिए लोन देकर कमीशन में कमाए 75 करोड़ रुपए। कहते ना कि नारी तेरे रूप अनेक, आखिर महिलाएं सशक्त हो जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती। आंकड़ा करोड़ों में नहीं हजारों करोड़ों में पहुंच चुका है। BC सखियों ने निभाई अहम भूमिका।
वही खबर है आगरा से। पुष्ट आहार की कालाबाजारी हुई तो सीएम ने लिया संज्ञान। सुपरवाइजर सहित 13 और आंगनबाड़ी पर गिरी गाज। 4 पहले ही हो चुके हैं निलंबित। जहां पर बच्चों के लिए आने वाला आहार पैसे लेकर किया जा रहा था वितरित। वही खबर है यूपी रोडेज को मिलेगी 3108 नई बसें, जिसमें कई वोल्वो बसें भी होगी शामिल। और खबर देखिए यूपी के इटावा में अयोध्या दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सांड टकराया। एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना होने से बाल बाल बची। और खबर देखिए दिवाली पर योगी सरकार का माताओं बहनों को बड़ा तोहफा। उज्ज्वला योजना के तहत मिलेगा फ्री रसोई गैस सिलेंडर, जो कि हमने आपको पिछली बार भी बताया था। इतना ही नहीं, नवरात्रि के पहले दिन ही सीएम योगी ने महिलाओं को दी एक और बड़ी सौगात। पिंक बस टॉयलेट का किया लोकार्पण। अब सिविल लाइन स्थित पार्क रोड पर पिंक बस टॉयलेट का किया लोकार्पण, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न टॉयलेट भी है और साफ सुथरा वॉश बेसिन भी है, ताकि माताओं बहनों को न हो किसी प्रकार की कोई परेशानी। वही खबर देखिए सीएम योगी के हरियाणा दौरे में आदित्यनाथ ने इन लोगों को बताया चंड मुंड और महिषासुर। जनसभा को किया संबोधित और नशे के कारोबार और माफियाओं पर साधा निशाना। वही खबर देखिए यूपी आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर 23,000 से अधिक आंगनबाड़ी वर्कर की निकली भर्ती। माताएं बहनें कर सकती हैं आवेदन। और खबर देखिए बिजनौर के अंदर फूड पॉइजनिंग से 150 लोगों की बिगड़ी तबीयत। नवरात्रि के पहले दिन खाई थी कट्टू की पूड़ी। वही खबर है यूपी के 15,000 पेंशनर्स को मिलेगा 25 साल का एरियर। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। इतना नहीं, यूपी सहित देश भर के अंदर 43 ग्रामीण बैंक के 70,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स को भी 1 नवंबर 1993 से पेंशन का बकाया देने का आदेश केंद्र सरकार ने जारी किया। और अयोध्या को मिली एक और सौगात, सरयू के अंदर पानी का फ्लो बढ़कर चलाएगी अब वाटर मेट्रो। वही खबर देखिए बहराइच के अंदर दबंगों के हौसले हुए बुलंद, थाने में घुसकर SHO को पीटा, वर्दी भी फाड़ी, देर रात हुई घटना। और खबर है यूपी के 260 गांव बनेंगे इको विलेज, जहां होगी केवल प्राकृतिक खेती, रसायनों का नहीं होगा प्रयोग। और अंतिम अपडेट देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार का बड़ा आदेश, सरकारी कर्मचारियों ने अगर नहीं पहना हेलमेट या बिना हेलमेट आए ऑफिस तो माने जाएंगे गैर हाजिर, दफ्तर में भी नहीं मिलेगी एंट्री। इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं पर विराम। वीडियो में रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों के साथ, ताकि उनको भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।